हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे अपने क्वेरी के बारे में। क्वेरी है कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर बी फार्मेसी, वेदर बिजनेस और जॉब। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है। यहाँ पे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ भी है, मछलियाँ भी है और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगर हमें इसमें उतरना है, अगर अपने बलबूते पे इसमें उतरना है तो हमें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं अपने सजेशन की बात करता हूँ तो चाहे आप कैपेबल हो बिजनेस शुरू करने के या नहीं हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल हालात आपको अलाउ करते हो बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में ही या नहीं करते हैं, फिर भी आपको कुछ टाइम के लिए जॉब करनी चाहिए। जो भी हम अपने कॉलेज के दौरान सीखते हैं वो बेसिकली जो फंडामेंटल्स है हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको क्लियर करता है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए जो भी मैटर है कि क्या चीज क्या यूज करती है, क्या काम आती है, क्या क्या मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कुछ, वो हमारे हमारे एजुकेशन के दौरान क्लियर हो जाते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर के अलावा जो अगर फार्मा बिजनेस की बात करते हैं हम, तो हमारी एजुकेशन हमें ज्यादा वहाँ पे कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं, जितने भी देखते हैं, चाहे आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ओनर देख लो, डिस्ट्रीब्यूटर्स देख लो, फार्मेसी या केमिस्ट शॉप ही देख लो, आप रिटेलर्स देख लो या मार्केटिंग कंपनी देख लो, उन सबके ओनर आपको ज्यादातर नॉन फार्मा बैकग्राउंड के ही मिलेंगे। तो आपके लिए भी ये कि केवल आपकी फार्मा डिग्री ही आपके फार्मा बिजनेस के लिए इनफ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इतने बड़े समुद्र में उतरना चाहते हैं, वहां पे हर बंदा एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है, तो आपको वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस गेन करने का सबसे रिलेवेंट तरीका होता है जॉब। और जॉब का एक जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को लगता है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और स्टार्टिंग लेवल पे आपको सीखने के लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि जब आप जॉब शुरू करते हैं, शुरू में आपको कुछ नहीं आता और जो शुरू के 5 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो आप कंपनी के लिए लायबिलिटी ही होते हैं, कोई एसेट नहीं होते। जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, आप अपने आप भी डिसीजन लेना शुरू कर देते हो, काम करना शुरू कर देते हो, सब तब आप कंपनी के एसेट बनते हो। कुछ पर्सन होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के दौरान ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक क्वेरी आई थी मेरे पास, तो उस लड़के ने कहा कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि कभी इतनी देर ना हो जाए बिजनेस करते करते, क्योंकि बिजनेस स्टेबल होने में हम कई बार बात कर चुके हैं कि काफी टाइम लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, तो एक अच्छा टाइम लग जाता है उसको एस्टेब्लिश होने में। और अगर हमें नॉलेज नहीं होती तो फिर और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो कभी ऐसा ना हो कि आप बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस शुरू करो और बड़े बड़े मगरमच्छ आके आपको खा जाए और आपका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि फिर आपने बिजनेस कर लिया तो फिर आप जॉब भी इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। एक अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉई हो, अच्छी तरह काम करते हो, तो आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हो तो फिर आपके अच्छे एम्प्लॉई बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन केवल जॉब ही आपके बिजनेस की फाउंडेशन नहीं हो सकती, आपके एंटरप्रेन्योरशिप की फाउंडेशन नहीं हो सकती। एक जॉब को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करना आपके एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है। क्योंकि जो आप अपने जॉब के दौरान करते हो वही आप अपने बिजनेस के दौरान करते हो। क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो मैं वही काम करता था जो मैं आज अपने बिजनेस में करता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, जितने भी हम काम करते हैं, जो उनका 90% काम होता है वो हैबिचुअल होता है। तो जितनी लगन और निष्ठा से हम जॉब करेंगे, जितनी ईमानदारी से हम जॉब करेंगे, उतनी ही ईमानदारी, निष्ठा और लगन से हम अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि हम जो जॉब में हैबिट डाल देंगे अपने आप को, वही हमारे काम में हमें फॉलो करेगी। इसीलिए जितनी ईमानदारी से और लगन से आप जॉब में काम करेंगे, उतना ही अपने बिजनेस में काम करेंगे। तो केवल जॉब ही इनफ नहीं होती, उससे सीखना और एक अच्छा एम्प्लॉई बनना आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की एक नींव होगी, एक फाउंडेशन का काम करेगी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।